ये किताबों में लिखा अल्लाह उलमा बैठे हैं पूछे आप करेक्ट दाने करेक्ट दाने क्या दाने करेक्ट दाने करेक्ट दाने आप समझ गए। तो ये कुत्ता होना बेकार नहीं है, गुलाम होना कितना बड़ा काम है। समझ गए। तो बंदगा ने खुदा क्या अर्ज कर रहा था, हजरत इमाम आली मकाम की शान क्या बोलूं, ला तखूलू लेमाई युक्तलू वला तखूलू लेमाई युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में खत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा मुर्दा मत कहो, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहिया बल्कि वो जिंदा हैं। जो अल्लाह के रास्ते में खत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहिया बल्कि वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं। एक माना तो ये हुआ अल्लाह के रास्ते में खत्ल जो हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, एक माना। दूसरा माना अल्लाह के रास्ते में जो खत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहिया बल्कि कहो कि वो जिंदा हैं। कोलार में मैंने कहा था बल्कि वो जिंदा हैं। वला किल्ला तशुरून, तुम्हें शुरूर नहीं है अल्लाह के रास्ते में कौन खत्ल होता है तुमको पहचान नहीं है, हुसैन की मारिफत नहीं है, हुसैन की मारिफत हो जाए तो मालूम होगा हुसैन मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। अभी समझ में नहीं आई बात, क्या बात है, अभी समझ में नहीं आई बात, तुमको शूर नहीं अल्लाह के रास्ते। हुसैन तो सैयदुश्शहदा हैं, अल्लाह के रास्ते में जो भी शहीद हो गया तुम उसे मुर्दा ना कहो, बज़ाहिर तो वो मुर्दा नजर आ रहा है वो मुर्दा नहीं, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह वो मुर्दा नहीं, क्या बात है सुभानअल्लाह, तुमको शूर नहीं कौन खत्ल हुआ अल्लाह के रास्ते में, कौन शहीद हुआ अल्लाह के रास्ते में तुमको मालूम नहीं, सुभानअल्लाह। और अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला मरता नहीं, मरने वाला शहीद होता नहीं, शहीद होने वाला मरता नहीं, सुभानअल्लाह, बल अहिया बल्कि जिंदा कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। वाला कैसा जिंदा तुमको मालूम नहीं, जाहिर कुछ और होता है बातिन कुछ और होता है, जाहिर की बात कुछ और है बातिन की बात कुछ और है, तुमको मालूम नहीं मैं अल्लाह की नाम के अल्लाह की अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान में कौन आया, लाकिल्ला तशुरून, ये शुऊर तुम्हें किसी दर से मिलता ना, किसी आरिफ कामिल से मिलता कि हुसैन कौन है, सुभानअल्लाह, अली अकबर कौन है, अली असगर कौन है, सुभानअल्लाह, जुहैर बिन खयीन कौन है, हबीब इब्ने मुजाहिर बूढ़ा साहबी कौन है, सुभानअल्लाह, इनको मुर्दा न कहो ये मुर्दे होते हैं, ये हय्ये ला यमूत के मजाहिर हैं, इनमें इनका कुछ भी नहीं अक्स है तो है उस हय्ये ला यमूत का, इनको मुर्दा न कहो, ये इनको मालूम उनको मालूम नहीं ये कौन आया, तीन दिन का प्यासा हुसैन कौन है, ये कड़ियल बेटे जवान कड़ियल जवान बेटे अली अकबर की लाश उठा के कौन खैमे में ला रहा है, ये हुसैन कौन है तुम नहीं जानते,
تقول لمن يقتل, یہ ان کو مردہ نہیں کہنا, ان کو مردہ نہیں کہنا. ہاں ہاں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مردہ ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں آتا نہیں, مرنے والا میدان جنگ میں آتا نہیں, میدان جنگ میں آنے والا مرتا نہیں, شہید ہونے والا مرتا نہیں, مرنے والا شہید ہوتا نہیں. سمجھ میں آ گیا کیا بولوں جی, اس سے زیادہ بول نہیں سکتا, جتنا بول سکتا ہوں اتنا بول کے. سبحان اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم شہید کی حقیقت نہیں سمجھ سکے تو صدیق کی حقیقت کیا سمجھ سکتے ہو, صدیق کی حقیقت نہیں سمجھ سکے تو حضرت آدم کی حقیقت کیا سمجھو گے, حضرت نوح کی حقیقت کیا سمجھو گے, ارے حضرت عیسیٰ کی حقیقت کیا سمجھو گے, حضرت نوح کی حقیقت کیا سمجھو گے, حضرت نوح کی حقیقت سمجھ نہ سکے حضرت موسیٰ کی حقیقت کیا سمجھ, حضرت عیسیٰ کی حقیقت کیا سمجھ سکو گے, حضرت عیسیٰ کی حقیقت سمجھ نہ سکے حضرت موسیٰ کی حقیقت کیا سمجھو گے, حضرت موسیٰ کی حقیقت نہ سمجھ سکے حضرت حضرت موسیٰ کی حقیقت نہ سمجھ سکے حضرت ابراہیم کی حقیقت کیا سمجھ سکو گے, حضرت ابراہیم کی حقیقت نہ سمجھ سکے تو نبیوں میں رحمت لقب لانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں آ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد بندہ بے مثل و مانند, محمد بندہ بے مثل و مانند, خدا را بندہ او مارا خداوند. محمد بندہ بے مثل و مانند, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و مانند بندے ہیں, خدا را بندہ او مارا خداوند, خالق کے وہ بندے ہیں اور ہمارے تو آقا ہیں, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء, بل زندہ ہیں یہ. سبحان اللہ, یہ زندہ ہیں, شہید ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو. حقیقت کو تم نہیں دیکھتا, ظاہر کو دیکھ رہے ہو اس لیے کہہ رہے ہو, حقیقت پر نظر جائے گی. سبحان اللہ, سمجھ میں آ رہی بات, بل احیاء بلکہ وہ زندہ. تو شہید کو زندہ کہیں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی, اللہ کی رضا حاصل ہوگی, جنت ملے گی. اور اب ایک اور ایک آیت آئی, وَلَا تَحْسَبَنَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں, جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں, ولا تخلوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دوسری آیت میں کیا فرمایا, ولا تحسبن, وہاں بہت سے لوگوں کو مخاطب کیا, یہاں ایک آدمی کو, ایک کو مخاطب کیا, وہاں جمع کا صیغہ لا تخولو, یہاں لا تحسبن, واحد کا صیغہ. لا تحسبن, لا تحسبن, وہاں بات اتنی زور سے نہیں کی, یہاں بہت زور سے لا تخولو, یہاں نون ثقیلہ کے ساتھ لا تحسبن, تو ہرگز نہ سوچ, تو ہرگز نہ سمجھ, تو ہرگز ایسا خیال نہ کر, ہرگز یہ گمان نہ کر, ہرگز نیور نیور تھنک, نیور تھنک, وہاں ڈونٹ سے, وہاں ڈونٹ نیور, ڈونٹ اور نیور میں فرق ہے نا, یہاں تاکید ہے.
तो अल्लाह को बात बारीक हो गई ना, मुश्किल। शोहदा को जिंदा कहना बहुत आसान बात है, शोहदा मुर्दा नहीं है जिंदा है कहना बहुत आसान है। इसलिए सबको मुकल्लफ किया इस बात का, सबको के बोला के अने तकलीदी तौर पर मान लो कि शहीद जिंदा है और बोलो कि शहीद जिंदा है, मरे नहीं, वो मुर्दा नहीं है। इस बात का सबको हुक्म दिया। यहां कहा ला तहसबन्ना, तू एक तो मालूम हुआ ख्याल की तथहीर करने वाला कोई एक होता है, तहकीक करने वाला कोई एक होता है, तहकीक करने वाला अल्लाह के हुक्म की इस ये अकीदे का राज क्या है जानने वाला कोई एक होता है, और सुनकर मानने तकलीदन मानने वाले हजार होते हैं। उन सब से कह दिया कि जो शहीद होता है अल्लाह के रास्ते में उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। तुमको शूर नहीं है कि मरने वाला शहीद होने वाला कौन है, शहीद होने वाला कौन है, मैदान में आने वाला कौन है, तलवारों की छांव में आने वाला कौन है। नौके नेजा पर सर किसका बुलंद हुआ है तुम्हें मालूम नहीं, समझ में नहीं आया अभी। अब यहां कहा कि तू सोचना भी नहीं, ये मुहक्किक के लिए है। ला तहसबन्ना, हरगिज सोचना भी नहीं उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में खतर हो जाते हैं कि वो मुर्दा हैं, क्योंकि तुझे मालूम है कि जिंदा की हकीकत क्या है, मुर्दा जिंदा किसे कहते हैं, मुर्दा किसे कहते हैं, हयात किसकी जाती सिफत है, मौत किसकी जाती सिफत है, और हयात जिसकी जाती सिफत है वो मौजूद हकीकी है या मौत जिसकी जाती सिफत है वो मौजूद हकीकी है, तुझे मालूम है, सोचना भी नहीं शहीद को कू तू मुर्दा सोचना भी नहीं, शहीद जिंदा होता है, शहीद होने से पहले भी जिंदा, शहीद होने के बाद भी जिंदा। समझ में आ गई थी बात, नहीं समझ नहीं, अभी तो बात पूरी कर दी कि नहीं कर दी। ला तहसबन्ना, तू ना सोच उन लोगों के बारे में जो कत्ल कर दिए गए अल्लाह के रास्ते में वो मुर्दा हैं, ये ना समझ, बल अहया वो जिंदा हैं, ये सोच। वलाकिल عند ربهم يرزقون, यहां ला तशुरून नहीं कहा, मुझे मालूम है मौजूद हकीकी कौन है, मैदान में आने वाला कौन है, सुभानअल्लाह, किसका सर तन से जुदा हुआ है, मैं तो मैं असला नहीं ये जलवा फुजा कौन है, मैं सुभानअल्लाह 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 सुभानअल्लाह। ला तहसबन्ना الذي قتل, لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله, अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल हो गए मुर्दा है वो, अल्लाह के रास्ते में काम करने वाला क्या समझा उसे तुमने,
खुदा को राजी करने का सफर तय करने वाला कौन होता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। समझ में आई बात? हाय हाय हाय, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाते हैं, कत्ल कत्ल करना बोले तो क्या माने? ये बोलो पहले। कुछ भी नहीं बोलेंगे। कत्ल करना का मतलब क्या? एनीबॉडी बोलो, बोलो भाई, कत्ल करने का मतलब क्या? हाँ? हाँ? जान निकाल देना। करे तो कत्ल कर देना, क्यों जाते जाते आप मार को चले जाएंगे खुदा के राह में? सुभान अल्लाह, अरे वाह वाह, खुदा की राह को क्या समझा भाई। कत्ल करना खुदा के नाम होता है, अभी नजाब पीछे मार डालेगा। कल खिचड़ा बटता है, नहीं दिया मार डाला, खुदा के रास्ते में मारा हूं मैं। कत्ल करना किसे बोलते हैं भाई? खतला यक्तुलू, इट इज ए अरबिक वर्ड। काफिरों के साथ लड़ते हुए कत्ल करना किसे कहते हैं? काफिर मुसलमान शहीद अदल्ला नान पेश ले, नान पेश रहे हैं, कत्ल यदि की चल रहा है टू किल एनीबॉडी, टू किल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी को मार डालना, मार डालना। अभी किसी ने कहा ना मार डालना, आप है ना, अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल हुआ, अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल हुआ, अल्लाह के रास्ते में जो कैसा कत्ल हुआ? काफिर ने, अब सही, अब शाह साहब ने फरमाया, काफिर ने तलवार चलाई, उसका सर तन से जुदा हो गया, कत्ल हो गया। और कत्ल उस वक्त तक नहीं हो सकता किसी का जब तक के एक चीज साबित नहीं होती। क्या चीज वो? ऐसी तकरीर करो बोले तो बेजार हो जाते। हमको ये भी आता है, वो भी आता है, सुभान अल्लाह। कत्ल उस वक्त तक साबित नहीं हो सकता किसी का जब तक कि कोई और चीज साबित नहीं हो सकती उसके लिए। क्या? हयात। बच्चा बात करा नहीं, करा तो अम्मा मरो बाबा मरो बोला। मौत, कौन किसने का मौत? मौत के बगैर कत्ल साबित नहीं, मौत के बगैर। आपने मारा किसी को खूब, तलवार चलाई, सब किया, मरा नहीं वो, तो कत्ल किया नहीं आपने, मारा है आपने, गदोकोप किए। कत्ल मौत के बगैर नहीं हो सकता, समझ में नहीं आई बात? जायद ने खालिद को कत्ल किया, मतलब क्या? मरने तक मारा, मार के छोड़ा, यही मतलब है ना? अल्लाह यहां बोल रहा है कि जो लोग कत्ल हो जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह खुद बोल रहा है कत्ल हो जाते हैं, कत्ल को खुदा मान रहा है, बोलता वो मरे नहीं। हालांकि मौत खत्म को, खत्ल को मुस्तलजिम है, खत्ल मौत को मुस्तलजिम है। तो मालूम यह हुआ कि शहीद के लिए भी मौत से गुजरना पड़ता है। जब नबी पर मौत साबित है तो शहीद के लिए कैसे नहीं? जब तक मौत साबित नहीं होगी शहादत भी साबित नहीं हो सकती। लेकिन आम आदमी का मरना और है, शहादत की वजह से शहीद का
की वफात और है, शहीद की वफात आम आदमी की वफात से मुख्तलिफ है, तो नबी की वफात आगे ना गाड़ी बातें होंगी ना, ऐसी बहुत सी गाड़ी बातें हैं। सुभान अल्लाह। तो क्या अर्ज कर रहा था, भूल गया आप हजरात, क्या अर्ज कर रहा था? तो शहीद जो होता है बस उसका जिस्म तन से, उसका सर तन से जुदा हो जाता है और खत्म हो जाता है अल्लाह के रास्ते में, और एक लम्हे के लिए उस पर मौत तारी होती है, फिर उसके बाद उसे शुहदा वाली जिंदगी मिल जाती है, हयात अबदी मिल जाती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये शहीद जो हुआ ये मरा नहीं, ये मरा नहीं, शहीद हुआ है, खत्म हुआ है, मरा नहीं। आप समझ रहे हैं, ये तो कौन करता है इसे कत्ल, शहीद को कत्ल कौन करता है? मुसलमान करता है? काफिर आले जारिहा से कत्ल करता है। जमाया कितने जमाया तुमने, कितने जमाया? हाँ तो क्या अर्ज कर रहा था, काफिर कत्ल करता है, है? काफिर। तो ये क्या होता है, जा शहीद होता है, खत्ल होता है, काफिर वो मरता नहीं। ये करने वाला कौन? काफिर। काफिर की तलवार से कटे तो ना मरे कभी, हमेशा के लिए जिंदा। अब खालिक आलम की तलवार से कटे, मन अहब्बनी कतलतुहु, जिसने मुझसे मोहब्बत की मैंने उसे कत्ल किया, वो मन कतलतुहु अलैया दियतुहु वमन अलैया दियतुहु फहम दियतुहु। वो दुश्मन का मख्तूल, दुश्मन ने कत्ल किया, खुदा के दुश्मन ने कत्ल किया, काफर ने कत्ल किया, कत्ल होके भी जिंदा, उसे खुदा जिंदा, खुदा खुद कत्ल करे। हदीस कुदसी में कहता है, मन अहब्बनी कतलतुहु, मेरे वालिद गिरामी बहुत सुनाते थे ये हदीस, बहुत बहुत बहुत। अल्लाह फरमाता है, मन अहब्बनी कतलतुहु, जो मुझसे प्यार करेगा ना मैं उसे जरूर कत्ल करूंगा। छुपा के नहीं रखा, बात बोल दिया। मन अहब्बनी कतलतुहु, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जिसने मुझसे मोहब्बत की मैंने उसे कत्ल किया, जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं कत्ल करूंगा। मन अहब्बनी कतलतुहु, मेरे से जो दिल लगाएगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, मुझसे मिलना चाहेगा, मुझसे करीब होना चाहेगा, कतलतुहु मैं उसे कत्ल करके रखूंगा। ये मेरा दस्तूर है, मेरा निजाम है, मेरा कानून है, मेरा सिस्टम है, कस्टम है, ये बदलने वाला नहीं है। मन अहब्बनी कतलतुहु, जिसने मुझसे मोहब्बत की मैं उसे कत्ल करूंगा। आप सोच के मोहब्बत करो अल्लाह से। सोच कर आए मेरी राह में आने वाले, उनके जलवे हैं यहाँ, ओ छुड़ाने वाले। सुभान अल्लाह, आए आए। मन अहब्बनी कतलतुहु, जिसने मुझसे मोहब्बत की मैंने उसे कत्ल किया, मैं कत्ल करूंगा। वह मन कतलतुहु, जिसे मैं कत्ल कर डालता हूँ, फअलैया दियतुहु, उसका खून बहा। एक खातिल एक मकतूल को कत्ल कर देता है तो मकतूल के उरसा जो हैं खातिल से पैसा मांगते हैं, या तो खिसास मांगते हैं, या इसे बोलते हैं दियत, या खिसास है या दियत, दियत खून बहा, हमको पैसे दे दो, गरीब आदमी हैं। तो ऊँगना नहीं, हाँ क्या बोलता था, बोल गया आप हजरात, बैतुल खला में कोई ऊँगता नहीं जी, ये बयान में बटूंगते हैं। तो क्या बोल रहा था, भूल गया आप हजरात, अल्लाह फरमाता है, मन अहब्बनी कतलतुहु, मन अहब्बनी
जिसने मुझसे मोहब्बत की मैंने उसे कत्ल किया, वह मन कतल तू जिसे मैं कतल कर देता हूँ, उसका खून बहा देना मेरे जिम्मे। अल्लाह का सब लफ्ज आया, अल्लाह फर्जियत के मुझ पर फर्ज है, अल्लाह पर कोई चीज फर्ज नहीं, वो अपने जिम्मा करम पर ले लेता है। फर्ज क्या है उसके ऊपर, उस पर कोई चीज वाजिब ना कोई चीज फर्ज है। वो बोलता है जिसे मैं कत्ल कर दूं उसे खून बहा, उसके उरसा को, उसे खून बहा देना, उरसा को नहीं खुद उसे। ये देखो वारिस लेते नहीं कि उन्हें जिंदा है ना, जिसे मैं कत्ल कर दूं, जिसे मैं कत्ल कर दूं फअलियदियतुहु, उसे उसका खून बहा मुझ पर, मैं दूंगा, मैं देना, मेरी जिम्मेदारी, जिम्मा ले रहा है अल्लाह ताला, मैं जामिन। वमन अलियदियतुहु, जिसका खून बहा मुझे मुझ पर फर्ज होता है वाजिब होता है, फाना दिया तू हूँ, मैं ही खून बहा बनकर उसे मिल जाता हूँ। क्या मतलब, क्या मतलब, ये किसकी तलवार से कट रहा है, वो दुश्मन की तलवार से कटा जिंदा जावीद हो गया, ये दोस्त की तलवार से कटा। जब मेरे इल्म की तलवार चलती है और मेरा बंदा है आरिफ तलवार से कत्ल हो जाता है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मन नयम वल्लाह यारा मन नयम, मैं नहीं हूँ, खुदा की कसम है दोस्तों मैं नहीं हूँ, जाने जानम सिरवे सिरम तन नयम, मैं मौजूद नहीं, इस मंदिर पे आता है तो कत्ल हो जाता है, खुद से कत्ल हो गया, फानी बखुद हो गया। अब उसका फानी किसने किया फानी, उसने। मन कतल तू हूँ फालैया दिया तू हूँ, जिसको मैं कतल कर दूं उसका खून बहा, कॉम्पनसेशन 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 के लिए। जी बोले ना, कतल करके पैसे देते ना, क्या बोलते सर, कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन, इनको मालूम है, देखो देखो क्यों मालूम है, वो मुझे मालूम नहीं। हाँ तो क्या अर्ज कर रहा था, वो बोलेंगे आपको भी तो मालूम है। हाँ तो मालूम, जिना क्या है जानना फर्ज, जिना करना गुनाह है कबीरा, जिना क्या है जानना फर्ज, नहीं जानेंगे तो गुनाह है कबीरा, जिना करना गुनाह है कबीरा। जिना क्या है जानना फर्ज, नहीं जानेंगे तो गुनाह है कबीरा, जिना करना गुनाह है कबीरा, जिना नहीं करना फर्ज। वो मालूम नहीं सो क्या काम पीर साहब को, ये मालूम क्या पीर साहब, वो मालूम नहीं तो जिना क्या, लिवातत क्या, चोरी क्या, कत्ल क्या, डाका क्या, ये सब जानना पीर साहब जरूरी है। कुफ्र क्या जानना जरूरी, फर्ज। कुफ्र करना गुनाह है कबीरा, सब गुनाह है कबीरा से बदतर गुनाह है कबीरा, आप समझ रहे हैं। तो क्या आज कर रहा था, भूल गया हजरत, तो मैं नहीं हूं, मैं आ गया, फानी से खुद हो गया, मैं जिसकी जिसका कॉम्पनसेशन मुझे देना, फाना दियत, मैं ही दियत बनकर मिल जाता हूं, मैं नहीं हूं कहने वाले को क्या मिलता है। काफिर की तलवार से कटने वाले को जन्नत मिलती है, अबदी जिंदगी मिलती है, दोस्त की तलवार से कटने नफी अपनी करने वाले को तब का तब उसी वक्त विशाल यार हो जाता है। मैं नहीं कहने वाले तेरा सिला क्या है, वो मौजूद है। अपने रब के पास रिस्क पाते हैं, क्या रिस्क, ये खाना ही नहीं, ये जो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अपने होने का मजा नहीं, रब के होने का मजा है, या आपके हक का रिस्क पाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
امام حسین دونوں تلوار دونوں سے اس سے چل رہے تھے, یزیدی تلوار سے بھی کٹ رہے تھے اور مولا کی تلوار سے بھی. میں کہاں ہوں کہ آئے گی قیامت, پشت فرس سے میں نہیں جھوم, وہ پشت فرس سے میں نہیں گرا کو زمین پر میں نہیں آ رہا. کیا سمجھے سبحان اللہ, سمجھ میں نہیں بھیا یہ باتیں اور یہاں, لیکن آپ کے سمجھ میں پلے کچھ پڑا؟ جو نسبت والا ہے وہ تو سمجھے گا. ویسے تو یہاں جو بھی نظر آ رہا ہے مجھے نسبت والا ہی نظر آ رہا ہے. کتنے آمینی ہیں ہاتھ اٹھائیں دیکھیے, سمجھ میں چھوڑ دیں. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء بل احياء عند ربهم يرزقون, اپنے رب کے پاس رزق. کیا رزق؟ اپنے نئی پن میں حق کا ہے پن فارم, اپنے نئی پن میں حق کا ہے پن دیکھ. شاہ کمال میر حیات محسود رحمت اللہ علیہ کے پیر, ہمارے آٹھویں دادا پیر, فرماتے ہیں اپنے نئی پن میں حق کا ہے پن دیکھ, میں ہوا فرض معرفت سے ادا, میں ہوا فرض. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون بل احیاء عند ربهم یرزقون. تو میدان کارزار میں کٹیں گے جنت ملے گی, اور یہ خودی کی نفی کی تلوار سے کٹیں گے, اپنے نہیں ہونے کا استحضار کریں گے تو کیا ہمیں جنت ذات میں پہنچ جائیں گے؟ خود کو کھوئیں گے تو حق کو پا لیں گے. پا جانا ہے کھو جانا, کھو جانا ہے پا جانا, کھو جانا ہے پا جانا. بے ہوشی ہے ہوشیاری, ہوشیاری ہے بے ہوشی, بے ہوشی ہے ہوشیاری. کیا فاصلہ ہے, سبحان اللہ. کیا پیاسے کربلا کے ابا بولتے کیا رے مصیبت میں امام حسین جان دیے, کہہ رہے ارے کس حال ہے, کس حال کی سرمستی میں جان دیا ہے. عرفان کی چوٹی پر پہنچ کے شہود حق کی انتہائی بلند منزل پر جا کے سجدے میں سر لے جا کے بول رہے ہیں اللہم اوفی بی احدی, اللہ میرا کام میں نے کر دیا فنا, کیا بات ہے, بقا دینا تیرا کام ہے. سبحان اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, تو تیرا وعدہ پورا کر. کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا, کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا. سرخرو کون ہوا سرخرو کون ہے دونوں میں, لہو یا پانی؟ پانی ہار گیا, پیاسوں کا خون جیت گیا. سبحان اللہ آئے 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 پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں, پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو, حسین کے مقدس مبارک ہونٹوں کو چومنے کے لیے لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب بریت پر. سبحان اللہ ادھر حسین کے ہونٹ سوکھے ہوئے, ادھر الخما نہر الخما کا پانی اچھل اچھل کے کہہ رہا حسین
मुझे अपनी तरफ बुला लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या प्यास है करबला वालों की प्यास। जिस राह से गुजरा था एक काफिला प्यासों का, जिस राह से गुजरा था एक काफिला प्यासों का, उस राह से जब गुजरा दरिया तो बहुत रोया। जिस राह पे ठहरा था एक काफिला प्यासों का, उस राह से जब गुजरा दरिया तो बहुत रोया। आखिर दावाना अनिलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन। लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम की औकात भी दे दो, तैबा के दिल रात भी दे दो, आशिकों की गैरत भी दे दो, आशिकों की गैरत भी दे दो, दर पे बुलाने वाले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम, सब नबियों से मिलाले लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम, रोजाए कुरान बार के साए हमसे फकीरों के सरमाए, याद उनकी जितना तड़पाए याद उनकी जितना उसे ज्यादा संभाले लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम, सब नबियों से निराले तुम पे लाखों सलाम तुम पे, सिद्दीक़े अकबर का सदका, फारूक़े बरतर का सदका, उस्मानो हैदर का सदका, उस्मानो हैदर का सदका, देने दिलाने वाले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम, सब नबियों से निराले तुम पे लाखों सलाम तुम पे, उम्र गुनाह में हमने गुजारी फिर भी है तुमको लाज हमारी, कौन करे ऐसी गम ख्वारी कौन करे ऐसी गम ख्वारी, कौन बुरों को पाले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम, संग को पाले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम, सब नबियों से निराले तुम पे लाखों सलाम तुम पे, सोया नसीब जगाओ आखा अब तो करम फरमाओ आखा, अब तो नजर आ जाओ आखा अब तो नजर आ जाओ आका, पड़ गए जान के लाले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम, सब नबियों से निराले तुम पे लाखों सलाम तुम पे, शाम तमन्ना का हो सवेरा दूर हो मेरे घर का अंधेरा, कभी यहाँ भी डाले डेरा कभी यहाँ भी डाले डेरा, रंग मदीने वाले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम, सब नबियों से निराले तुम पे लाखों सलाम तुम पे, शाम तमन्ना का हो सवेरा दूर हो मेरे घर का अंधेरा, कभी यहाँ भी डाले डेरा कभी यहाँ भी डाले डेरा कभी यहाँ भी डाले डेरा, रंग मदीने वाले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम, सब नबियों से निराले तुम पे लाखों सलाम तुम पे, ख्वाब अना के जिस दम बिखरे चारों तरफ थे जलवे ही जलवे, उठ गए सारे नाम के पर्दे उठ गए सारे नाम
के पर्दे खुल गए वहमी ताले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम सब नबियों से निराले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम नूरे अहद के उजाले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम पस मंजर में जात तुम्हारी पेश नजर है सिफात तुम्हारी लाता दाद जहात तुम्हारी लाता दाद जहात तुम्हारी दीन रजा के हवाले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम सब नबियों से निराले तुम पे लाखों सलाम तुम पे लाखों सलाम रिश्तेदार
دار اتفاق پیدا فرما ہمیں اخلاق حسنہ کا نمونہ بنا اخلاق محمدیہ کا آئینہ دار بنا دے مولا اچھے نہیں ہیں تو اچھے بنا دے مولا اچھے نہیں ہیں اچھا بنا دے کرم فرما جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما غریب میں تبدیل فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرما جو کمزور ہیں ان کی کمزوری دور فرما ان کی کمزوری دور فرما ان کی کمزوری دور فرما ان کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا جوانی میں جس طرح طاقتور تھے اس سے زیادہ انہیں طاقتور بنا جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما جو روزی کے تعلیم ہم نے روزی عطا فرما روزگار عطا فرما ہم پر کرم کر دے تو ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے مولا ہم پر کرم کر دے ہماری ضرورتوں کو پوری کر دے مولا ہم پر کرم فرما دونوں جہاں میں ہمیں معزز و ممتاز فرمانا ہماری اولاد کو تیرے محبوب بندوں میں مقبول بندوں میں شامل فرمانا یہ جو بھی تمنائیں جائز لے کے آئے ہیں ابھی ان کی تمنائیں پوری کر دے واسطہ امام حسین کے رفقا کا واسطہ حبیب بن مظاہر کا واسطہ دعائے بن قیم کا واسطہ علی اکبر کے حلق فریدہ کا واسطہ جوانی کا حضرت علی اکبر کی جوانی کا حضرت خاصف کی جوانی کا مولا ہم پر کرم فرما مولا ہم پر کرم فرما یہ بارشوں میں ہم بھیگ رہے ہیں کربلا کے پیاسوں کے منہ میں بارش کا خطرہ بھی نہیں مولا ان کی پیاس کا صدقہ ہمیں پیاسا نہ رکھنا قیامت میں حوض کوثر سے ساقی کوثر سے ساقی کوثر کے جام عطا کرنا مولا امام حسین کی محبت کی آگ ہمارے قلوب میں بھڑکتی رہے بھڑکتی رہے آتش پہ خام بن جائے مولا آمین ہم پر کرم فرما رحم فرما تجارت میں ہم نے جن کو نقصان اٹھانا بڑا ہے مولا ہم کی تجارت میں برکت دے جتنے بھی آئے ہیں ان کی دینی دنیا کی ضرورتیں پوری فرما کرم فرما رحم فرما مسجد عامر کریمی چنئی بنانے کا ہم نے تہیہ کیا ہے تیرے حکم سے تیری توفیق سے ہمیں کامیاب فرما ہمیں کامیاب فرما وہاں ایک سجی ادارہ قائم ہو جائے گا وہ مسجد جو ہے پلیٹ فارم بن جائے گی ہمارے لیے ہم سلسلہ عامریہ کے لوگوں کے لیے تو ایک اہم جگہ بن جائے گی مولا لہٰذا ہمیں مسجد عامر کلیمی تو عطا فرما ہدف بہت دور ہے ٹارگٹ بہت دور ہے ہم بہت دور پڑے ہیں ہدف سے مولا زمین کی خریداری کا مسئلہ ہی بہت کٹھن مرحلہ ثابت ہو رہا ہے مولا تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظام فرما غیب سے لباس لائے اس شہید کے قدموں کا یہاں آتا ہوں میں جب بھی آتا ہوں کوئی دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے تو پروردگار اس شہید کی خدمت کر رہا ہوں ہمارے صدر صاحب کی فرمائش پر ان کے حکم سے 20 سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے ہر سال یہ شہید اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں میرا کیا کمال ہے بلا لیتے ہیں ہر سال بلا لیتے ہیں تو آ جاتا ہوں میں ان تخلیق کی قدم بوسی کر کے جاتا ہوں پروردگار ہم سب پر کرم فرما رحم فرما ہمیں اچھوں میں شامل فرما سچوں کا دامن تو تھاما ہے مولا یہ تو صحیح بات ہے ہم اچھے نہیں بنے ہیں ہمیں اچھا بنا دے مولا سچے نہیں بنے تو نہیں بنائے گا تو نہیں بن سکتے ہرگز نے کرم کر دے رحم فرما دے بجاہ سیدنا مولانا حافظ تقالائی بالحق العادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجاہ سیدنا الامام الحسن و سیدنا الامام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کربل کے پیاسوں کا صدقہ دے دے اکبر کی سانسوں کا صدقہ دے دے کربلا والوں کی یاد میں جنا کربلا والوں کی یاد میں بات دے ہم سب کی عمر اقبال پر ترقی عطا فرما ہم سب کی جو روزی کا تعلیم ہے اسے روزی عطا کر ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کا واسطہ بجاہ سیدنا مولانا غوث التقالائی بن غوث العالم رضی اللہ تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد لله سب شیر شیرنی لے کر جائیں شیرنی